दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको सेलिब्रिटीज से रिलेटेड सभी अपडेट्स मिलती रहें। अगर सलमान खान को किसी ने सबसे बेस्ट प्रेजेंट दिया है उनकी बर्थडे पे तो वो उनकी बहन अर्पिता खान है। जी हाँ, अर्पिता खान ने दिया है अपने भाई को सबसे बेस्ट बर्थडे प्रेजेंट। 27 दिसंबर को यानी कि सलमान भाई के बर्थडे के दिन अर्पिता ने अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। आपको बता दें कि अर्पिता को एक बेटी हुई है जिसका नाम आयत शर्मा रखा गया है। भाईजान के बर्थडे के दिन वो एक बार फिर से बन गए हैं मामू जान। ये न्यूज़ सुनकर आपको कितनी खुशी हुई नीचे अपने कमेंट्स पोस्ट करें। और इस खुशी की न्यूज़ को सलमान खान ने ट्विटर पे भी पोस्ट किया। एक सबसे बुरी और अफसोसनाक खबर ये है कि टीवी एक्टर कुशाल पंजाबी अब इस दुनिया में नहीं रहे। जी हाँ, 27 दिसंबर के दिन उन्होंने की सुसाइड। आपको बता दें कि कुशाल पंजाबी ने बहुत सारे सीरियल्स और मूवी में काम किया है। कुशाल के फेमस सीरियल्स में से एक का नाम है गुड्डा तुमसे ना हो पाएगा। कुशाल के फेमस मूवीज में से एक का नाम है लक्ष्य और धन धना धन गोल। कुशाल पंजाबी की सुसाइड पे बहुत सारे बॉलीवुड एक्ट्रेस ने अपना दुख जताया। आइए कुछ ट्वीट्स दिखाते हैं आपको बॉलीवुड एक्ट्रेस के कुशाल पंजाबी की सुसाइड पर। दीपिका पादुकोण ने की है आज तक की सबसे बड़ी डिमांड फिल्म मेकर्स से। दीपिका का कहना है कि वो ऋतिक रोशन के साथ काम करना चाहती हैं। ऋतिक रोशन की वॉर मूवी देखने के बाद दीपिका पादुकोण बन चुकी हैं ऋतिक रोशन की फैन। और यही वजह है कि दीपिका ने एक वीडियो ऋतिक के साथ पोस्ट करते हुए कहा है कि मैं अपनी अगली मूवी ऋतिक रोशन के साथ करना चाहती हूँ। प्रियंका चोपड़ा को क्रिसमस के दिन हस्बैंड निक जोनस ने एक बैटमोबाइल गिफ्ट की और उसी बैटमोबाइल के साथ प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस खेलते हुए नजर आए। आइए आपको कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं प्रियंका और निक की सेलिब्रेशंस की। अक्षय कुमार और करीना कपूर की लेटेस्ट मूवी गुड न्यूज को मिली पहले ही दिन धमाकेदार ओपनिंग। जी हाँ, अक्षय कुमार की मूवी गुड न्यूज ने अपने फर्स्ट डे पे ही लगभग 20 करोड़ का बिजनेस कर लिया। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि अक्षय कुमार की लाइफ की सबसे हिट मूवी होने वाली है गुड न्यूज। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि इंडिया में चल रहे प्रोटेस्ट्स के कारण मूवीज अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं कर पा रही, लेकिन फिर भी एक हफ्ते बाद पता लगेगा कि अक्षय कुमार की मूवी गुड न्यूज अक्षय को गुड न्यूज दे पाती है या नहीं। ये जानने के लिए सब्सक्राइब करें सेलिब्रिटी न्यूज को। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने न्यू ईयर की वेकेशन स्विट्जरलैंड में सेलिब्रेट की। रिसेंटली विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर अपनी और अनुष्का की पिक्चर शेयर की है।